हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरहा और ये है मेरा चैनल मिस एवरीथिंग। तो आज आप थोड़ा डिफरेंट सा कुछ देख रहे हो। मैं जा रही हूँ सदर बाजार, सो मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्या क्या लिया। तो बस निकल रहे हैं बस अभी फटाफट से, 10:30 हो रहे हैं हमें पहुँचने में। हम आई थिंक 12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे फरीदाबाद से, वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। तो अब मैं फटाफट से बस जा रही हूँ, निकलती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। तो सदर जाने का सबसे बेस्ट वे है आप मेट्रो से जाइए। अगर आप साउथ दिल्ली, साउथ फरीदाबाद, गुड़गांव साइड से आ रहे हैं तो आप आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन पर उतरिए। बाकी कहीं और जगह से आ रहे हैं तो आप 30,000 मेट्रो स्टेशन पर उतर के आपको दोनों साइड से आसानी से रिक्शा मिल जाएंगे और आप वहाँ से आराम से सदर पहुँच सकते हो। गाड़ी ले जाने की गलती मत करना कि आप सदर डायरेक्ट जो है गाड़ी ले जाओ अपनी और आप ट्रैफिक में बहुत बुरे फंसोगे। तो हम तो आर के आश्रम पर उतर गए थे, वहाँ से हमने ऑटो लिया। ऑटो में जो है 20 रुपये सवारी लगती है। बैटरी वाले रिक्शा भी चलते हैं, आप किसी में भी बैठ सकते हो। हम ऑटो में बैठे थे, वो थोड़ा जल्दी पहुँचा देते हैं इसलिए। जर्नली जो है ना सदर में बहुत भीड़ रहती है, बट दशहरा से लेके दिवाली पे मतलब भीड़ इतनी रहती है कि आपको ना पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ होती है। तो प्लीज़ इस टाइम पर अवॉइड करिएगा जाना। सदर में मोस्टली जो चीज़ें हैं ना आपको होलसेल प्राइस पे मिलेंगी, बट आपको बल्क में ख़रीदनी होंगी या 6K या 12K पैक में होंगी। तो अगर आपकी शॉप वगैरह है या आप काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हो। और आपको अब यहाँ एक बार आके चेक कर लो उनके शॉप वालों के जो हैं, आप उनके बिज़नेस कार्ड ले जाओ, वो आपको ट्रांसपोर्ट पर आपका माल पहुँचा देंगे। आप सिंगल चीज़ों के लिए आप इनसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट वगैरह करोगे, ये आपको कुछ चीज़ नहीं देते कोई भी शॉपकीपर। आपको ट्रांसपोर्ट पे माल के लिए कम से कम 7,000 से 10,000 के बीच में आपको माल खरीदना होता है, तो वो आपको ट्रांसपोर्ट पे माल आपका लगा देते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको एक बार आकर उनका विजिटिंग कार्ड लेना होगा। और आप कुछ भी खरीद सकते हो एक्सेप्ट कपड़े और सैंडल्स के, यहाँ सब कुछ मिलता है, बस ये दो चीज़ें नहीं मिलती। गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस। तो मैं कल गई थी सदर और वो मैंने आपको पार्ट दिखा दिया सदर का, और मैं शाम में वापस आ गई थी और फिर मेरी जो हालत ख़राब हुई मैं तो बस पड़ गई, मुझे इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा। तो आज मैं आपको फटाफट से अपना हॉल दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ करा था। तो बेसिकली इट्स अ रैंडम हॉल, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं हैं कि मैंने कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ही चीज़ें खरीदी, लाइक ज्वेलरी तो सारी ज्वेलरी का ही हॉल है, कुछ भी है। सबसे पहले मैं आपको फिर ज्वेलरी से दिखाती हूँ मैंने ज्वेलरी में क्या क्या लिया था। आई गॉट दिस नेकलेस टाइप ऑफ थिंग, नेकलेस नहीं है, पेंडेंट है, इसके साथ एयरिंग्स हैं और सिल्वर में है ये, और इस पे ब्लू स्टोन्स लगे हुए हैं, लुक्स रियली प्रिटी। और ये मुझे पड़ा 80 रुपीज का। इसकी पॉलिश और इसकी सफाई जो है ना काम की बहुत अच्छी है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ उसको। सब देखो कितना प्यारा लगेगा ये गले में डालकर। नेक्स्ट मैंने जो आइटम लिया वो था बैंगल्स, ये कुंदन की बैंगल्स। एक्चुअली ज्यादा मतलब कुछ खास है नहीं इनमें, बट ये मेरे पास थी नहीं। और ये 4 का सेट है, कुंदन में काम है इसका, स्क्वायर वाले कुंदन लगे हुए हैं। और ये मुझे पड़ा आई थिंक 100 रुपीज़ का, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप चूड़ी लगा के इसमें पहनो, बीच में बड़े प्यारे लगेंगे ये। तो एक ये नेकलेस लिया मैंने, ये लिया मैंने 50 रुपीज़ का, इस टाइप का होता है ना साड़ी वगैरह जो होती है कॉटन की साड़ी, उस पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये पेंडेंट लिया मैंने 50 रुपीज़ का रेड कलर में। ये लास्ट चीज़ ली वो थे ये इयररिंग्स, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, मतलब इस टाइप के सिल्वर में आ रहे थे ये, पूरे सिल्वर में मैंने देखे थे, बट ये मल्टी कलर में, वो भी पेस्टल कलर्स। ओह माय गॉड, पेस्टल कलर्स हो जो बहुत पसंद है। और ये कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखो। और ये मुझे पड़ा 60 रुपीज़ का पेयर। तो ज्वेलरी में तो बस यही लिया था मैंने ना, काफ़ी सारा मेकअप लिया था। तो ये सारा है बैग में सारा मेकअप, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं अगर दिखाऊंगी आपको तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तो मेकअप की वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो होगी। क्लीनिंग ब्रश लिया किचन के लिए, सिंक साफ करने के लिए 20 रुपीज़ का ब्रश लिया मैंने ये। आप इसको खोल के ना इसमें आप सोप भी डाल सकते हो, और सोप फिल करके और यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे आपका सोप निकलता रहेगा साथ साथ, और आप क्लीन भी कर सकते हो। मैंने लिया ये एल्युमिनियम फॉइल। आई नो बहुत रैंडम सी चीज़ें हैं, बट प्लीज़ लेट मी शो यू क्या क्या लिया, आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पे हर कैटेगरी का सामान किस किस रेट में मिलता है। तो दिस एल्युमिनियम फॉइल इज़ लाइक 1 kg का है ये, वहाँ पे मीटर में नहीं देते वो, कि मीटर आप पूछो कितने मीटर है, वो सिंपल kg वगैरह में ही देते हैं। इट्स क्वाइट हैवी और ये मुझे 200 रुपये का पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा पर्सनल ग्रूमिंग का सामान लिया तो वो दिखा देती हूँ। तो ये मैंने वाइप्स लिए, टूलिप्स के हैं, आई डोंट नो कौन सी ब्रांड है ये। तो ये मुझे 60 रुपीज़ का पैकेट पड़ा, काफ़ी अच्छा थिक पैकेट है, और मतलब हाथ वाथ क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो। तो उसके अलावा फिर मैंने लिया था एसीटोन,
एसीटोन इज नेल पेंट रिमूवर, बहुत सही चीज है। इससे अच्छे से आपका जेल नेल पेंट भी रिमूव हो जाता है, आपका नॉर्मल नेल पेंट भी रिमूव हो जाता है। तो ये मुझे पड़ी बॉटल आई थिंक 30 की पड़ी है, आई थिंक 40 की पड़ी मुझे ये बॉटल, और इसमें जो है 400 ml है। ये मेरी दो तीन साल अच्छे से चलती है बॉटल। मैंने लिए ये रेज़र, मुझे नहीं पता कैसे इनकी क्वालिटी है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। लेट्स सी कि अच्छे हों और कुछ करें ये रेज़र्स। मैं वैसे रेज़र बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट लेट्स सी अगर ये कुछ अच्छे होंगे तो मैं आपको बताऊँगी और आपसे कहूँगी कि आप ख़रीद सकते हो। तो ये मुझे पैक पड़ा 30 rupees का। इसमें दोनों साइड पर रेज़र होता है, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। तो ये 6 रेज़र हैं इन 30 rupees, विच इज़ अ गुड डील। और एक ये रेज़र लिया मैंने टिंकल का आईब्रो रेज़र, इसकी भी ज़रूरत थी मुझे। तो ये मुझे पड़ा 20 rupees के 3 रेज़र्स, अगेन अ गुड डील। ये लिया मैंने ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का मैनिक्योर पेडिक्योर किट, लेमन ब्राइटनिंग लेमन है इसकी सिट्रसी स्मेल है। इसमें 6 steps हैं, 6 steps के साथ इसमें आप 6 refills भी हैं, आप 6 बार इसको 6 times यूज़ भी कर सकते हो। इसके जो MRP लिखी है वो है 450 एंड आई गॉट इट फॉर लाइक 350 rupees। अमेजिंग डील। एंड ये मैंने लिया ऑब्वियसली मटके वाली गली जाओगे आप किसी से भी पूछ लेना मटके वाली गली कौन सी, वो बता देंगे आपको। सलोन से रिलेटेड मैनिक्योर पेडिक्योर हेयर स्पा कुछ भी आपको चाहिए ना, कुछ भी थ्रेडिंग का सामान, वैक्सिंग का सामान, और जो मैंने इससे पहले भी आपको सब दिखाया सब मैंने वहीं से परचेज़ करा, सदर मटके वाली गली से, वहीं पे आपको सारा सलोन का सामान मिलेगा और अच्छे रेट में। तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लिटरली बहुत ज़्यादा मेरे हैंड सिस्टम बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं एंड आई नीड इट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी थोड़ा घर का होम डिकोर के आइटम्स, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अपना जो हमारा डिफ्यूज़र है एसेंस का डिफ्यूज़र, उसके लिए एसेंस लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 pack है, अलग अलग इसमें फ्रेगरेंस हैं, सिट्रस है, सैंडलवुड है, जैस्मिन है, लेवेंडर है एंड लेमन ग्रास है। तो दिस वन कॉस्ट मी 180 rupees, या 180 rupees का मुझे ये पड़ा था। इसमें 6 fragrance हैं। सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है वो लिया है ये स्टोन्स लिए हैं मैंने, डेकोरेटिव स्टोन्स जो आप लाइक अपने किसी वास में रखने काम आते हैं या अपने प्लांटर्स में रखते हो आप। तो ये मैंने दो ही लिए हैं, दो पोटली टाइप में बंधे हुए हैं ये। तो ये मुझे 20 rupees पर पेयर पड़ा है। एक कॉर्क वाली मैंने LED लाइट्स ली हैं, कॉर्क मेरे पास ऑलिव ऑयल की ग्लास बॉटल्स पड़ी थी तो मैंने ये भी मैंने ले ली, ये मुझे 20 rupees पर पेयर पड़ा। और मैंने ये 3 ली हैं और 2 पता नहीं कहाँ हैं, मिल नहीं रही, तो मैं इसलिए आपको दिखा देती हूँ। मैंने खोल के भी चेक करी थी, दे आर रियली नाइस, लाइक रियली नाइस। कुछ कैंडल्स भी ली हैं मैंने, ये जो कैंडल्स होती है ना, तो ये ली हैं मैंने, आप देखो 84 के 12, या हाँ 84 के 12, विच मीन्स 168 के 24 का मैंने पेयर लिया है। बाहर घर के बाहर हमने लैंप लगा रखे हैं, उसमें टी कप वाले कैंडल स्टैंड हैं, तो उसमें रखने के लिए, क्योंकि बाहर अगर मैं नॉर्मल कैंडल लगाती हूँ ऑब्वियसली वो बुझ जाती हैं हवा से, तो मुझे ज़रूरत थी ऐसी जो चलती रहे कुछ LED टाइप सी। अब आते हैं प्लांट्स की बारी। तो ये मैंने सेम प्लांट लिए हैं 20 rupees का ईच, 1 2 3 and 4, ये 4 लिए हैं मैंने 20 के। ये मुझे अपने किचन की जो कैबिनेट्स हैं उसके ऊपर रखने हैं, तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं परमानेंट रखना चाहती हूँ कि वहाँ से नहीं हटाना पड़े मुझे बार बार, तो वहाँ के लिए मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं फेक, वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा एक और प्लांट, इसकी बड़ी बड़ी लीव्स है, इसका प्लांट बहुत छोटा है, बट मेरे पास कुछ प्लांटर्स हैं ऐसे सिरेमिक में, तो ये नहीं लिया था, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी तो थोड़ा अच्छा सा क्लासी सा लुक आ जाएगा इसका। दिस वन आई गॉट फॉर 100 rupees। तो नेक्स्ट जो लिया था प्लांट वो ये वाला लिया था, इसका वास बड़ा है और इसमें ना स्टोन्स भी ग्लू हो रखे हैं, चिपक रखे हैं, और इसकी लीव्स भी बहुत नेचुरल, मतलब रियल सी लग रही है इस वाले की कंपैरिजन टू उसकी। एंड ये मुझे 200 का पड़ा, बट दिस इज़ लाइक इतना रियल लग रहा है ना दूर से रखने में, ऐसा लग रहा है कि असली में एवरग्रीन, चाइनीज़ एवरग्रीन होता है इस टाइप का, वो है मेरे पास है चाइनीज़ एवरग्रीन, तो उसका जैसा लग रहा है ये। और क्योंकि इसमें ना वास भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये स्टोन्स भी ना बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। बट ये मैंने ऐसा ऑनलाइन अमेज़ोन पर देखा था एंड इट वॉज़ लाइक 800 rupees, सो आप 200 और 800 में फ़र्क देखो, बहुत है यार, बहुत फ़र्क है। ओके, नेक्स्ट जो लिया था मैंने, दिस इज़ क्वाइट बिग, तो ये मैंने नकली सा आर्टिफिशियल पाम ट्री लिया था,
ये आई थिंक 40 इंचेस का है, आप देख सकते हो। ये और भी थे इससे बड़े बड़े साइज़ के, बट मुझे ये साइज़ एक बार लेके ट्राई करना था, तो ये मुझे पड़ा 350 रुपीज़ का 40 इंच का। और 40 इंच का अमेज़ोन पे जो है आई थिंक ये वाला सेम पाम ट्री जो है वो 800 का है। तो अगेन ऑब्वियसली बहुत अच्छी डील थी मेरे लिए, मैंने ख़रीद लिया था ये पाम ट्री। एक चीज़ और ली थी मैंने, वो मेरी नहीं है बट मेरी सिस्टर की है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ लाइक स्विमिंग पूल, मेरी सिस्टर को चाहिए था अपनी डॉटर के लिए, एंड इट्स क्वाइट हैवी। और ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये वाला जो मुझे सदर से मैं लाई अपनी सिस्टर के लिए, दिस वन गॉड मुझे ये पड़ा 1800 का, और अमेज़ॉन पे अराउंड 4000 to 5000 के बीच में, आई थिंक 5 के बीच में ही मैंने देखा था इस साइज़ का। ये 8 फुट का है, इन रेक्टेंगुलर शेप में है ये, तो इट्स क्वाइट गुड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी। बहुत हैवी है ये, बहुत ज़्यादा हैवी है। कुछ मैंने बेकिंग का सामान लिया था, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने ये केक टिन ली थी, तो ये मुझे 100 रुपीज़ की टिन पड़ी। ये मैंने फूड कलर लिया रेड, रेड वेलवेट केक के लिए, और ये मुझे पड़ा 60 रुपीज़ का। और ये मैंने स्प्रिंकल्स लिए थे कुछ, ये सिल्वर बॉल्स हैं, और ये मल्टी कलर स्प्रिंकल्स हैं वर्मिसिली। 250 ग्राम का पैकेट है ईच, 250 250, इट मीन्स 500 ग्राम। तो ये मुझे 100 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है, ये भी 100, ये भी 100, 200। ये भी बहुत अच्छी डील है, काफ़ी महंगे आते हैं स्प्रिंकल्स, जो बेकिंग वगैरह करते होंगे उन्हें पता होगा, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और जो नेक्स्ट आइटम लिया था वो लिया था मैंने चॉको चिप्स फॉर दी कुकीज़, और चॉकलेट केक में अच्छे लगते हैं ये। तो ये 500 ग्राम्स का पैकेट है, मोर्डे की है ये चॉको चिप डार्क कंपाउंड चिप्स, और ये मुझे पड़ा 140 रुपीज़ का पैकेट 500 ग्राम्स का, और बहुत बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल गया। नहीं तो चॉको चिप्स ना आपको 500 ग्राम्स का पैकेट आपको 450 के अराउंड का पड़ता है, और मैं 140 का ले आई। तो मैंने कुछ फ्रिज की मैग्नेट्स ली थी, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, ये पनीर टिक्का है, इसके साथ ग्रीन चटनी और केचप है, देखो कितनी क्यूट लग रही है, लाइक बहुत ही क्यूट है ये फ्रिज की मैग्नेट। ये मुझे 50 रुपीज़ की मिली, एक ये मिली, और एक मैंने ये ली थी, दिस इज़ चॉकलेट बार, आइसक्रीम वाली बार जो होती है ना वो, देखो कितनी प्यारी है। और एक ये नुटेला, और ये है माय फेवरेट सिल्क, तीनों एक ही साथ का पेयर था, एंड दीज आर फॉर 50। हाँ मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, एंड आई होप मेरा हॉल ये अजीब सा रैंडम सा वियर्ड चीज़ों का हॉल आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ मेकअप वाला जो हॉल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।